English students, I am Rishali Agrawal, your maths teacher. Previous class में हमने पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ा था, ओके? टुडे आई एम गोना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 45. क्वेश्चन नंबर टू क्या है? फाइंड द एच सी एफ. फर्स्टली मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फुल फॉर्म ऑफ एच सी एफ. सो एच सी एफ इज नोन एज हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो अब हम किनका हमें एच सी एफ निकालना और देखना उनमें हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. 16, 18 एंड 20 चेक करते हैं. 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 है, 2 1 1, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 1, 2 11 22, 11 1 11. So 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 18 is equal to 2 into 3 into 3, 2 into 11. In each 3 digits, what is common? 2, 2, 2. So HCF of 16, 18 and 22 is only 2. Next number क्या है? 15, 21 और 27. तो हम देखते हैं 15, 21, 27. ये odd number है तो obviously कि 2 से नहीं होगा. अब क्या है? 5, 5 into 5, 5 बन जाए. 3, 7 जाए 21, 7, 7 जाए 3 9 27, 3 3 3 and 1. In each 3, what is common? 3 3 3. So HCF of highest common factor between 15, 21 and 27 is 3. And first mein kya tha? 2. Next is 16, 88 and 132. Next number kya hai? 16, 66, 88 and 132. Okay, देखते हैं. 2 into 33 is equal to 66. 3 into 11, 11 into 1. 2 into 44, 2 into 22, 2 into 11, 11 into 1. 2 6 are 12, 2 1 2 2 6 are 12. 2 33 ja 2 3 11 ja and 3 11. So what is the common? 2 2 2 and 11 11 and 11. So kya maine pata chalega teenon mein kya? 2 into 11. So 22 is the highest common factor between the 66, 88 and 132. So idhar hum kya likh denge? 20. Next number kya hai? डी नंबर. डी नंबर में हमें क्या करना है? 150, 175 एंड 200. इन सबके में क्या निकालना है? फैक्टर निकालने. ओके, फैक्टर निकालने हैं तो 2, ये क्या है? इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा 70. 3 2 जा 6, बचा 135 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ये 3 से भी नहीं होगा बिकॉज 3 5 जा 15 25, तो 5 3 जा 15, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 into 7 7 7 जा 1, 200. 2 से 50 हो जाएगा, 2 then 25 5 5 5 1. सो वॉट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम? 5 5 5, अगेन 5 5 and 5. तो हम क्या करेंगे? 2 times 5 into 5 करेंगे, 5 into 5, दैट मीन्स 25. तो हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 150 इज 175 and 200 इज 20. 5 25 6 150, 25 7 75, 25 8 200. ओके, सो ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
that will divide 106, 126 and 148 without leaving any remainder. बिना रिमाइंडर बचे हमें इन तीनों का क्या करना है, फैक्ट निकालना है. फैक्ट जो कि रिमाइंडर ज़ीरो बचे, जैसे हम एच सी एफ, तो हमें एच सी एफ निकालना है 106 का. हमें किन किन का एच सी एफ निकालना है, 106, 126 एंड 148. और हमें लास्ट में क्या देखना है, कॉमन. तो 2 5 10, 2 3 6. नेक्स्ट 53 इज एन प्राइम नंबर, सो 53 इज नॉट फैक्टर ऑफ एनी वन. 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3. नेक्स्ट इज 3 7 21, 7 1, 2 74, 2 37, 37 1. सो वॉट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ थ्री, 2 2 2. सो आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेस्ट डिविजिबल नंबर इज विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, आंसर इज 2. क्या आंसर आ जाएगा, 2. हमें पहले आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, पहले अपनी रफ नोटबुक पे, फिर आपको मुझे सेंड करना है, और फेयर नोटबुक पे भी आपको इसको लिखना है. आपको लिखना पड़ेगा कि आपको पहले तीनों के एच सी एफ निकालने पड़ेंगे, फिर आपको हाई कॉमन देखना पड़ेगा जिससे रिमाइंडर भी ना बचे और आपका आंसर भी आ जाए. ओके, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज देयर आर 3 सिलेंड्रिकल कंटेनर्स कंटेनिंग, कितने कंटेनर्स है, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स 3. एक में कितने लीटर है, 45 लीटर है. ओके, एक में कितना है, 60 लीटर है. एक में कितना है, 75 लीटर है. अब हम इन तीनों में देखना है कि क्या सम कंटेनर करें जिससे रिमाइंडर ना बचे, और कौन सी लार्जेस्ट डिजिट है जितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो 3 15 3 45, 3 5 15, 5 5 1, 2 30 2 15, 3 5 5 1. क्या हो जाएगा, 3 20 5 5 5 5 1. वॉट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम, 3 3 3 5 5 5. क्या आंसर आ जाएगा, 3 into 5, दैट मीन्स 15. 3 into इज इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारा इसका, 15 नंबर्स ऑफ एग्जैक्ट टाइम्स आ जाएगा आंसर. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM. अभी हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. इनके जैसे कि हमें लोवेस्ट सबसे छोटा क्या होगा इसका मल्टीपल, हमें ये देखना है. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. दो या दो से ज़्यादा के मल्टीपल्स नंबर्स निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन. तो फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6. तो 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 12. 6 1 6 2 12, ये दोनों आ गए सेम. तो क्या हो जाएगा इसका, ऐसे ही इसको हमको निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम देखते हैं एग्जांपल. सीमा हैज पियानो क्लासेस इन एवरी 6 days, स्विमिंग लेसन्स एवरी 4 days एंड सिंगिंग लेसन्स 1 in every 8 days. सी इफ सी एड ऑल 3 activities इन 1st April ऑन, तो देन व्हाट विद द डेट शिल वी हैव टुगेदर अगेन. तो उसको क्या डेट टोटल देनी पड़ेगी, तो इन तीनों का हमको साथ में क्या लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है. तो हम LCM निकाल के जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है हम उसको वो लेके इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट हमें किसका फाइंड करना है, फाइंड द LCM ऑफ 12 and 25. तो हम क्या निकालते हैं, 12 और 25 का फैक्टर लोवेस्ट कॉमन निकालते हैं. 2 6 12, 2 25, क्योंकि 2 25 से डिवाइड नहीं होगा. 2 3 6, 2 25, 3 1 3 25. नेक्स्ट 5 1 5, सॉरी 1 को 1 है, 5 5 5 एंड 5 1 5. तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 5 into 5. इसका क्या हो जाएगा, 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 5 multiplied 5. 2 2 4, 3 12, 12 5 65 65 300. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आई जस्ट LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 and 25 का आ जाएगा आंसर हमारा 300. क्या आंसर आ जाएगा हमारा 300. ओके, फर्स्ट
क्या आंसर आ जाएगा हमारा 47 का फर्स्ट नंबर का 300. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एंड 45. हमें क्या निकालना है 36 का और 45 का. 218 जा 36, 245, 29 जा 18, 45, 33 जा 9, 315 जा 25, 31 जा 3, 35 जा 5, 51 जा 51, 53 जा 15, 15, 3 जा 45, 45, 2 जा 90, 92 जा 180. तो क्या आ जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच में 180 से, जो कि दोनों डिवाइड हो जाएंगे. ओके अब हम देखते हैं 66 एंड 110 में. ओके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 66 एंड 110 में देखते हैं क्या 110 हमको दोनों का साथ में निकालना है. 66 एंड 110 233 इंटू 36 255 इंटू 36 311 जा क्या होगा 31 जो 3 बचेगा 2 नहीं होगा ये 55 आएगा ना 5 11 जा 55 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 2 जा 150 व्हाट्स द आंसर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा दोनों से डिवाइड होगा वो का 150. ओके अब हम देखते हैं नंबर डी. डी नंबर में हमें क्या करना है 42 70 एंड 98 का हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. ओके 2 इंटू 21 235 2 4 जा 8 बचा 182 9 जा 18 देन अब कोई भी इवन नंबर नहीं है तो ये 3 से जाएगा 3 7 जा 21 335 रहेगा ये 49 रहेगा. अब क्या होगा 5 7 जा 35 5 49 जा अब 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 जा 79 7 1 जा 7 7 7 1 जा 7 7 7 7 जा 79 49 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 इंटू हमें क्या करना है 49 30 इंटू 49 सॉरी बच्चों 49 जीरो सा जीरो 49 इंटू 3 क्या करना है हमें 49 इंटू 3 3 9 जो 27 7 के लिए 34 जो 12 टू 14 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा 14 1 4 7 0 ऐसा क्या आ जाएगा 1 4 7 एंड 0. नेक्स्ट नंबर ई नंबर. ई नंबर में हमें क्या करना है 9 12 एंड 30 का हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है. 3 3 जा 9 3 4 सॉरी 2 से करेंगे 2 9 इधर आएगा 2 6 जा 12 2 15 जा 30 2 3 जा 6 9 15 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 एंड फिर 5 1 जा 5 तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 24 24 5 जा क्या करेंगे 24 इंटू 5 4 जा 20 की 0 टू 5 2 जा 10 और 12 सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 12 एंड 30 इज 120 क्या आंसर आ जाएगा हमारा 120. नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं एफ नंबर. एफ नंबर में हमें क्या करना है 108 108 132 and 144 का एलसीएम फाइंड करना है. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी एलसीएम पढ़ा होगा आई थिंक. डिविजिबल हो जाए रिमाइंडर बिल्कुल भी ना बचे डिवाइड तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 6 जा 12 बचा 1 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 2 जा 4 नेक्स्ट 2 2 जा 4 बचा 1 2 7 जा 14 2 33 जा 2 36 2 27 33 18 2 9 33 27 3 9 जा
थ्री इलेवन जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा इलेवन इलेवन इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री जा नाइन इलेवन इंटू नाइन नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन टू जो फोर नाइन्टी नाइन इंटू सिक्सटीन क्या करना है हमें नाइन्टी नाइन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन नाइन जब वन हंड्रेड फोर्टी फोर की फोर कैरी आई फोर्टीन सिक्सटीन नाइन जब वन हंड्रेड फोर्टी फोर और फोर्टी फोर और वन फोर्टी एट वन फिफ्टी एट फिफ्टीन एटी फोर इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ वन एट वन हंड्रेड थर्टी टू एंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री डिफरेंट बेल्स रिंग टुगेदर तीन जो रिंग है वो एक साथ बजती हैं क्या बजती हैं तीन रिंग एक साथ बजती हैं द बेल्स राइट एट इंटरवल्स ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी रिस्पेक्टिवली विल बी द थ्री बेल्स टुगेदर रिंग अगले टाइम में तीनों बेल्स किस टाइम पे बजेंगी देखते हैं हमको एलसीएम फाइंड करना है फिफ्टीन 25, 15, next, 3, 5, जा 15, 25, 3, 5, 5, 5, 1, 5, 5, जा 25, 5, 5, जा 5, 2, 3, जा 6, 5, जा 30, 30 into 5, 35, जा 100, 50, कितने मिनट में बनेगी next time, 150 minutes के, 150 minutes होगा इसका answer, okay, next, the thickness of a science book is 20 mm, And that a mathematic book is 28 mm. Book of each type of stacked up in their separate pile. Find the minimum each height of each pile that both the piles are of same height. तो हमें क्या करना है LCM लेना है 20 mm और 28 mm. 2 × 10, 2 × 14, 2 × 5, 2 × 7, 5, 1 और 7. 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 72 = 140 क्या आ जाएगा हमें 140 mm की आंसर दर पे क्या आ जाएगा हमारा 100 क्या आंसर आ जाएगा 140 mm आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है ये सिर्फ क्या है एक्टिविटी है जैसे कि आपको साथ में भी करना है या नहीं इसके आपको LCM और HCF निकालने हैं क्या करना है LCM और HCF इनके दोनों के निकालने हैं ठीक है तो हम देखते हैं पहले 35 का हम पहले HCF निकालते हैं 35 और 40 का फिर हम LCM निकालेंगे और LCM भी इधर पे हम साथ में देखते हैं फाइव सेवन जा 35 सेवन बन जा सेवन 220 210 2, 5 एंड 5, 1 तो HCF क्या आ जाएगा इन दोनों का 5 अब हम देखते हैं LCM 220 210 25 57 और 1 और 7 75 जा 35 35 2 जा 70 72 जा 140 142 जा 280 तो क्या होगा LCM क्या होगा LCM होगा 180 HCF होगा ओनली 5 ओके नेक्स्ट है 45 एंड 90 क्या है नेक्स्ट नंबर 45 एंड 90 जो कि हमें इसे भी क्या करना है ग्रुप में करना है ए इज इक्वल टू आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देना है HCF इंटू ए इन ईच केस हमें क्या करना है फॉर ईच पेयर्स हमको HCF इंटू HCM कर देना है तो LCM क्या आया था हमारा 5 LCM क्या आया था 100 72 या 141 अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ओके नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF LCM और HCF में क्या रिलेशन है तो LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1008 एंड HCF इज 24 वन नंबर इज 144 एंड फाइंड द अदर नंबर तो हम क्या करेंगे इसको LCM इंटू HCF करेंगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमें क्या करना है फाइंड तो ये दोनों इस साइड चले जाएंगे और 144 साइड आ जाएगा तो नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या हो जाएगी
8 हो जाएगी. ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इसके बाद हम ये रिलेशन पढ़ लिया. अब हमने हमें क्या पढ़ना, सेकेंड नंबर. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एच सी एफ इज 15, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो 45 इज इक्वल टू एल सी एम इज इक्वल टू 300. हमें कैसे फाइंड पता चल जाएगा, हमें इसमें क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या, एच सी एफ इंटू एल सी एम एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला होता है. तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या है 4500. हमें एच सी एफ पता है, एल सी एम फाइंड, तो हम एल सी एम को इस साइड ले जाएंगे और 45 इधर है, तो ये इधर पे किस में चला जाएगा, डिवाइड में. तो एल सी एम क्या आ जाएगा, 300. डू एंड लर्न देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, हमें क्या करना है, देखो जैसे इधर सेम है इसी तरह करना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1820. एच सी एफ हमें पता नहीं है, एच सी एफ इंटू 910 क्या है, एल सी एम. तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ को इस साइड ले जाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, 1820 को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 910 से, 0 0. ठीक है, अब 91 इंटू 182, 1 जा 2 जा, तो एच सी एफ हमें क्या मिल जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू 2. इसका आंसर हमें फर्स्ट का आंसर क्या चल जाएगा, हमें आंसर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 1170. एच सी एफ क्या है, 3. हमें एल सी एम फाइंड करना है, तो एल सी एम इज इक्वल टू 1170 बाई 3. 3 3 जा 9, बचा 2 7 3 9 जा 27 और 0. तो एल सी एम हमारा क्या आ जाएगा, 390. एल सी एम हमारा क्या आ जाएगा, 390 आंसर. द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर क्या है, एल सी एम और एल सी एफ 11 है और 1100 है. इफ वन नंबर इज रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 550 देन द अदर नंबर, तो एक नंबर क्या है, 550 है, तो अदर नंबर क्या होगा. सो हम इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे. तो एल सी एम इंटू एच सी एफ और फाइंड फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर. तो एल सी एम और एच सी एफ कितना है हमारे पास, एल सी एम कितना है, 11 इंटू 1100 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 550. क्या है हमारे पास फर्स्ट नंबर, 550. 11 इंटू 1100 अपॉन इज इक्वल टू 550 इंटू सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1100 डिवाइडेड बाई 550. 0 0, 11 1 जा 11, 5 जा 5 बन जा 5 2 जा. सेकेंड नंबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर जो है क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2. तो ये एक्सरसाइज अब यहीं पे कंप्लीट. अब आपको ये सब मैंने पढ़ाया था, अगर आपको टिक कर देना है, या आपको पता है कि एच सी एफ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और रिलेशनशिप बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम क्या होता है. अब नेक्स्ट क्या है, जसलीन एंड केंट नीड टू गो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेशन. जसलीन डेस्टिनेशन इज एम जी स्टेशन है, केंट डेस्टिनेशन इज के सी. तो कहाँ पे है एम जी स्टेशन, क्या है, ये रहा, और के सी स्टेशन ये रहा. रूट 1 ब्लू है, रूट 2 रेड है, रूट 3 ग्रीन है, ये जो रूट 3, ठीक है. ट्रेन आर बोर्डिंग स्टेशन एम जी एड 6 मिनट्स. तो ये जो है वर्ड, जो ये प्रॉब्लम है, ये मैं आपको जब आपकी वेबएक्स ऑनलाइन क्लास लूँगी, ये मैं तभी एक्सप्लेन करूँगी. और ये चैप्टर अब आज से क्या होता है, कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, विच इज़ फ्रैक्शन. ओके.